as far as I know she is in the school system here. कहते हैं कि अगर आदमी रिश्वत और चोरी करने का आदी हो जाए ना तो घर की औरत है जो उसको उस सिमत में लेके जाती है. अगर एक आदमी पॉजिटिव है तो दिस रोल इज बीन प्लेड बाय एंड दिस सीड इज सोड बाय द वाइफ और मदर वॉट एवर. गुरु जी थैंक यू वेरी काइंडली, इट्स वेरी गुड टू सी योर हस्बैंड. अकाल मॉर्गेजेस को स्टार्ट करने वाले दो पार्टनर्स, दो ब्रदर्स, फ्रेंड्स, कुलजीत जी, ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन. थैंक यू आरफा जी. ठीक है, इन द ग्रीन टर्बन जो लोग मेरे साथ देख रहे हैं, मोहिंद्र पाल सिंह जी, सत श्री अकाल, अ वंडरफुल ब्रदर, थैंक यू वेरी मच. मोहिंद्र पाल जी एक्चुअली मेरे भाई हैं. ठीक है, मुझे लगता है इनका दिल छोटा सा है, इसीलिए जिसका दिल छोटा होता है ना वो बहुत मोहब्बत करने वाला होता है. वी आर अकंपनीड बाय अली यजदानी. ये गिलानी फैमिली की? फैमिली फ्रॉम यज़द, ईरान. फ्रॉम ईरानियन, ओके. क्या कह एक मुझे भी थोड़ी सी आती है पर्शियन. डू यू नो पर्शियन? आई लव अली यज़दानी, अ यंग बॉय जस्ट लाइक माई नेफ्यूज, एंड प्रोफेशनली ही इज अ पायलट, एंड देन ही अडॉप्टेड दिस ब्यूटिफुल कैनेडा, एंड कैनेडा इज नोन यू कैन चेंज योर प्रोफेशन एंड यू कैन मेक हैक अ लॉट ऑफ मनी. सबसे पहले मैं दोनों भाइयों से, कुलजीत जी और मोहिंद्र पाल जी. मोहिंद्र पाल जी, मॉर्गेजेस दी दुनिया, अकाल मॉर्गेज थोड़ा तारफ करा दो. और ये कोई ये नहीं कि वी आर जस्ट अनाउंसिंग. आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि तुम तशरीफ लैके आए, ताडे नाल गल हुई. बहुत सारे लोग कहते ने मॉर्गेज तो बाहर निकल जावा तो मेरा घर पेड हो जाए, पर जो रीसेंटली तो पहले भी योजे फ्रॉड्स हुए थी, जो रीसेंटली दो फ्रॉड्स हुए ने, इट इज़ अलार्मिंग. बंदे की सारी जिंदगी की कमाई और घर पे ऑफ किया और घर स्कैम च विक गया जी. थोड़ा अकाल मॉर्गेज का तारफ करा दो पहले. सब तो पहला जी सारे ही स्रोतियां प्यार भरी सत श्री अकाल जी. अकाल मॉर्गेज कोई अज तो 23 साल पहला एक कंसैप्ट लैके चले सी कि अकाल मॉर्गेज जी हैगी वह होन दे विच आई, और सब तो दा वड्डा कारण सीगा कि असी वो चीज़ करना चाहते सी कि जिहड़ी असी सोची सी कि जिहड़ा भी बंदा साडे नाल अकाल मॉर्गेज ते आके कम करूगा जी, असी उस नूं हर एक ओ सहूलियत देवांगे, ओ सिखावांगे. सानू बहुत सारे आके जिहड़े हैगे लुकी पुछदे जी कि थोड़ी सक्सैस दा की राज है, की सीक्रेट है. असी उन्हां कहिंदे साडा कोई सीक्रेट नहीं, जिहड़ा कुछ असी अज तक सीख्या वो हर एक चीज़ जी हैगी असी अपने टीम मैंबरस नूं दित्ती है, और जिन्हें भी साडे टीम मैंबरस है जी वो सारे इक्विप्ड है पूरे टूल्स के नाल, उन्हां के रिसोर्सिज है, उन्होंने एक्सेस है जी सारे लैंडर्स के नाल. और सब तो वड्डी चीज़ कि जी अकाल मॉर्गेज जानी जाती है जी, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू एवरी सिंगल मॉर्गेज प्रोफेसनल, नॉट ओनली इन अकाल मॉर्गेज. अगर कोई बाहर का बंदा भी कहता कि सानू मेंटरशिप प्रोवाइड करो, वी ऑलवेज डू दैट जी. साडी इक्को ही चीज़ है जी कि वैन वी से यस वी स्टैंड बिहाइंड अवर प्रोमिस, कि असी किसी नूं हाँ कहिंदे नहीं जी, और जो असी हाँ कहने हैं तो असी अपने वादे ते पूरा उतरदे हैं जी. मैं जो भी मोहिंद्र पाल जी तुहाडा जिक्र किया, आई ऑलवेज से कि दीज आर द ब्रेन्स बिहाइंड, दे स्टार्टेड देयर करियर अराउंड 23 years अगो, और आज वो अपनी उन नेटवर्किंग को इस्तेमाल करते हुए नए आने वालों को सेटल करते हैं, बट बिहाइंड द सीन अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करना, प्रजेंट करना और उन मॉर्गेजेस को प्रूव करना, दे वर्क ऑन दिस. कुजी जी आप तो बोलते ही नहीं है. बिल्कुल बोलते हैं जी, आप मुझे मौका दे क्यों ना. तो मैंने तो बॉल दोनों की तरफ भेगी थी, इंटरसेप्ट उन्होंने कर ली. आपने सीधा क्वेश्चन किया मोहिंद्र पाल जी और मोहिंद्र जी, तो उसने जवाब दे दिया उसका. आप मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आप जवाब दे दूंगा. आप तो मेरे भी सरदार. देखो जी, आपसे क्या बोलते हैं, मुलाकात हो रही है तो कुछ तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. कुलजीत जी, मैं बहुत सारे लोग मेरे जैसे और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, बाज़ औक़ात अभी बल्कि रिसेंटली मुझे किसी ने कांटेक्ट किया हलाल मॉर्गेजेस का कॉन्सेप्ट की बात की, वेयर एज द सिस्टम वेयर आई लिव एवरीथिंग इज डिफरेंट. ये हलाल मॉर्गेजेस के कॉन्सेप्ट के लिए भी मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट किया, आई हैवन गॉन थ्रू दैट येट.
जो स्कैम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, गड्डियां दी चोरियां वादिया तुरियां जा रही, घर दी चोरियां वादिया, ताले टूटने लग गए। हालांकि कैनेडा वॉज नॉट लाइक दिस। हाउ लॉन्ग यू बीन लिविंग हियर? 30 प्लस ईयर्स। मतलब तुसी दिनां च बदलदियां देखिया कैनेडा नूं? बड़ा कुछ देखिया जी। जदों असीं आए हां, बिल्कुल इंग्लैंडन दी गल करां मैं, इत्थे इक फार्म हुंदा सी कॉर्नर ते, शायद हले भी है, उत्थे सब्जियां बाहर पईयां हुंदियां सी, तुसीं अपने पैसे उत्थे रखो ते आपदी सब्जी चुक के लै जाओ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਰੈਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਸਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਜੋ ਵੇਕੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਔਰ ਵੇਕੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਓਨ ਐਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਘਰ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇਕੈਂਟ ਤੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਬਾਈ 2nd of February ਤੱਕ। ਆਪ ਟੋਰੋਂਟੋ ਮੇਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨਕੀ ਸਾਈਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏ ਔਰ ਇਫ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਲ ਅਪ ਅ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਰੈਂਡਮਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਸਮਬਡੀ। ਡੋਂਟ ਲਾਈ, ਡੋਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਫਾਏ, ਡੋਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਫਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਟਿਡ ਯੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਕੈਨ ਚੈੱਕ, 500 ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਕੋ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਘਰ ਵਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਪੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਅਵੋਇਡ ਦੀਸ ਸਕੈਮਸ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਪਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ਲ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਦੋ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਕੰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪ PR ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਛੋੜੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਕਿਉਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੈਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਂ ਤੋ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਹਾਓ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਫਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲਾਇਰ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਰਿਜਿਨਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੋਇਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ,
ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਨਵਾਂ ਰਿਐਲਟਰ ਔਰ ਨਵਾਂ ਲੋਇਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਈਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨਈਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਦੀ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਲਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲ ਵਹੀ ਮਜਬਾਈ ਜੋ ਬਤਾ 60 ਮਿੰਟਸ ਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਕੈਮਸ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਸਕੈਮਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਕਪਲ ਆਫ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਜੋ ਇਸਮੇ ਟ੍ਰਬਲ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਐਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲੈਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੌਰਗੇਜ $1 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ $1 ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹੇ $1 million ਦੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਫੂਡ ਫੋਰ ਥਾਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪੇਡ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੀਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਈਵਨ ਦੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਖੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੀਨ। ਤੋ ਰੱਬ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀ ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਜਿਦ ਭਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤੋ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਡਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੀਸ ਆਈ ਡੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਡੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ 13-14 ਸਾਲ ਸੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੋਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਅਨਗੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਪ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਰੰਗੀ ਰੱਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੋਲਾ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੌਡਸਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਨ ਜਿਸਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ ਬਟ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਸਮਬਡੀ ਫੋਰਗੇਟ ਹਿਜ਼ ਫਰਸਟ ਲਵ and he divorced his first love, that is flying. Ali Yazdani, assalamu alaikum Ali. Ji, assalamu alaikum, thank you so much for inviting me here Arfa ji. It's a pleasure here to be here from obviously Akal Mortgages with my mentors, with my trainers Kuljeet Singh ji and Mohinder Pal ji.
So professional pilot aap hain. So how easy was to leave your own profession? मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान था, लेकिन एक एक ट्रांजिशन होती है, ग्रेजुएशन होती है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में. आई डिडंट अडॉप्ट कनाडा 2 or 3 years बैक. आई वाज बोर्न हियर एंड फिर पाकिस्तान में वहाँ पे जा, फिर मैं यहाँ पे आया अपनी हाई एजुकेशन के लिए, फिर वापस गया जॉन द नेशनल एयरलाइन एंड देन आई वाज इन एंड आउट ऑफ कनाडा फॉर द पास्ट 22 years एंड देन फाइनली आई रिजाइंड. एंड जो हालात थे, जो सराउंडिंग्स थे आपके कंपनी के, आपके वर्क प्रोसेस के, आपके मुल्क के, सो माई इन लॉज आर हियर एज वेल. माई सो अ लॉट ऑफ अ बिग पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो योर पेरेंट्स आर आल्सो हियर. जी, एज यू सेड यू वर बोर्न एंड जी जी. बट वन थिंग, मैं हाउ मेनी आवर्स यू फ्लू? आई फ्लू अराउंड 7,000 hours. 7,000 hours. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में कहा जाता है कि प्राइवेटाइज नहीं, मतलब टर्की की किसी कंपनी को मेरा ख्याल है लीज किया जा रहा है, जिसका गवर्नमेंट प्ली ये ले रही है, और ख्वाजा साद रफीक प्ली ये ले रहे हैं कि यू नो वो जो लीज करेंगे वो पहला पैसा देंगे, मुल्क को पैसे की ज़रूरत भी है. सो व्हाट यू से कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इस तरह लीज पर दे दिया जाता है, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान एयरलाइन बैक ऑन ट्रैक आ सकती है? वेरी ऑनेस्टली, एक तो काफ़ी अरसा हो गया इसको प्रोफेशन को छोड़े हुए, बट कमिंग बैक, जस्ट बिकॉज आप उसको लीज पे दे दोगे, नो. उस पर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं उस एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक मशीन को चलाते हैं, यू नो, जिसमें वो बोलते हैं गरारियाँ होती हैं, वो चीज़ चलती है, यू नो. सो सिर्फ उसको आप उठा के लीज पे आप दे दो या सिर्फ प्राइवेटाइज कर दो और आप सोचो कि हाँ ओवरनाइट ये चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं. उसकी जिस तरह एक बहुत बड़ी हमारे सामने एग्जांपल है टर्किश एयरलाइन की. टर्किश एयरलाइन इटसेल्फ जब गवर्नमेंट ओन थी तो इट वाज नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग, अ वेरी गुड एयरलाइन. जिस वक्त उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया, उसको प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हाथ में दिया, ग्रेजुअली विद टाइम उसने अपने आप को पिक किया, चीजें उसमें इंग्रेडिएंट्स एज आई सेड वो पुट इन फॉर अ फाइन प्रोडक्ट टू गेट द रिजल्ट. यस, एंड देन इट वेंट टू दैट, जहां पर टर्किश एयरलाइन आज है, इट टुक देम सम टाइम टू गेट देयर. Pakistan International, they are not privatizing it. This is leasing it to some company. They are leasing it to some company so that wo company jo lease ka paisa pehle jama karegi, they would definitely like to return, get the return on that money. Inshallah, we hope for the best. We keep our fingers crossed. Aapne yahan aane ke baad you joined Akal Mortgages. What made you to join Akal Mortgages? What made me to join Akal Mortgages, one major reason, या एक दो जो बहुत बड़े reasons हैं, Akal Mortgages की जो reputation है, Akal Mortgages की जो training है, Akal Mortgages की जो mentorship है, and believe you me, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे साथ मेरे trainer ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इनके सामने भी बोलता हूँ और मैंने हर जगह ये बात बोली है कि training जो है हमारी, सिर्फ इनकी नहीं, अब मेरी भी है, मैं भी वो करता हूँ, I'm a team leader as well over there. ट्रेनिंग, मेंटरिंग, सपोर्ट. मैं अभी मैंने नया कुछ थोड़ा सर मुझे को था ज्वाइन किए हुए शायद 3-4 महीने, और रात के शायद मैंने 11 बजे मैंने गुलजीत जी को फ़ोन किया था. 3-4 महीने हुआ था, आई वाज नॉट, मतलब मैं कोई बहुत बड़ी, मतलब दे वर लॉट ऑफ न्यू एजेंट्स, मैंने फ़ोन किया, ही आंसर्ड माई कॉल कि क्या हुआ, वी हैड 10-15 मिनट की चैट हुई, बट द ओनली द थिंग कि रात को 11 बजे एक नया एजेंट 3-4 महीने वो जॉन हुए हुए, आप उसका कॉल रिस्पॉन्ड करो, आप उसके सवालात का जवाब दो. इट मैटर्स टू अ न्यू, स्पेशली जो नया होता है. सो द ट्रेनिंग, सो देयर इज, डोर इज ओपन इफ समबडी वांट टू जॉइन Akal Mortgages, दे आर हायरिंग एट द मोमेंट. आप अपनी कमिटमेंट लेके आओ. वो आई थिंक हर प्रोफेशन में होता है, स्पेशली इफ यू वांट टू वर्क फॉर योरसेल्फ. ठीक है, अगर आपने अपना खुद बॉस बनना है, आपने एक्सेल करना है, यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, जो Akal की ट्रेनिंग्स हैं, यू सी. So all the ingredients, again, once again, I use this word, जितने भी additives हैं एक आपको independent, successful entrepreneur बनने के लिए, वो हैं, वो दी जाती है. Another one thing I would like to add, जो मुझे हुआ था कि मैं add करूँ, the ethnicity, you know, हम सारे एक, we belong from one part of the world. सो हम एक दूसरे के इमोशंस, हम एक दूसरे की वैल्यूज़, हम एक दूसरे के रिश्ते,
समझते हैं, मुझे समझाना नहीं पड़ता इनको, मुझे नहीं समझाना पड़ता कि कई चीज़ों पे कैसे है। जबान एक होती है, अगेन इमोशंस वैल्यूज वो मैटर करती हैं। अकाल मार्गी जी के साथ अली यजदानी की मैंने आप ही बात करवाई, जनाब मोहिंद्र पाल जी और कुलजीत जी रूह रवां हैं अकाल मार्गी जी के, ऑफ कोर्स मार्गी जी के हवाले से हम इनके पैगाम को अकाल मार्गी जी को वी ऑलवेज टेक द प्राइड टू अनाउंस देयर मैसेज, अकाल मार्गी जी को फीड करें 23 इयर्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड विद द कंपनी और इफ दे से यस इट मींस यस। थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू। माजी भाई अब आपसे मैं बात करूँ, आपको याद है कि सोनी फर्नीचर पे बलबीर जी और उनके एक दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो मेरा ख्याल खून के रिश्तों से भी बढ़ गए और ये दो भी दे आर बेसिकली फ्रेंड्स। आर यू फ्रेंड्स और कजन्स? गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। यू स्टार्टेड दिस बिजनेस 23 इयर्स अगो टुगेदर। हां जी। तो कभी लालच नहीं आया कि वो देखो पैसे बोले चल मैं अपने अंदर अंदर केस कर लवां? ए हो जे लालच कभी नहीं आया? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। वो ना एक मेरी बहुत प्यारी कज़न है, इंडस हॉस्पिटल का नाम आपने सुना ना, तो इंडस हॉस्पिटल में जो पहले 1000 दरख्त लगे थे और जो ट्रक थे वो इसी कंपनी ने दिए थे, तो मुझे रिलीजन की ट्रेनिंग दी थी। मैंने कहा आपके पास इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं कि आप सिर्फ इबादत ही करती रहेंगी, मैं जो गरीब को तो मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं है पैसों की। बिल्कुल नहीं है जी। अल्लाह ताला आपको चढ़ती कला में रखे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपकी बेगम बहुत अच्छी है महेंद्रपाल जी। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी है जी। अच्छा, हम पाकिस्तानी आदमी बार बार आप मुझे बेगम की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप बार बार उनकी बेगम की बात कर रहे हैं, ये हमारे नहीं नहीं पाकिस्तानी आदमी तो ये कहते हैं ना कि भाई हमारी बेगमें माय गॉड एवरीबॉडी इज स्माइल। अब माजिद भाई से पूछे तो माजिद भाई क्या कहते हैं, मगर मतलब आप क्या समझते हैं कि एक मर्द को बनाने में औरत का क्या रोल है? मेरे ख्याल जी जन्म देने वाली औरत ते जेड़ी उन्हें गुड़ती मिलती है जी, वो कोई भी देवे पर जेड़ा माँ दे ना रिश्ता बहुत नेड़े होंदा। माँ सब तो पहली टीचर होंदी है, हालांकि मैं खुद फादर हैं जी, बट आई एम नॉट द फर्स्ट टीचर फॉर माई चाइल्ड, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर फॉर द चाइल्ड। जेड़ियाँ चीज़ां बच्चे पहले 2-3 साल दे विच माँ प्यो नू करदे देखदे आ, मेरे ख्याल दे विच सारी उम्र ओ उन्हां दे दिमाग ते बर्न होया हुंदा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बस चीज़ें ऐसी हैं जो जवानी में शायद बच्चे ना करते हों, मगर इवन आफ्टर पेरेंट्स लीव we end up doing same things the way our parents they used to talk. Anyways, aap logon ka bahut shukriya. Akal Morgi ji ka number de dijiyega. Main to kehti hu dekhiye ji chat gpt ki baat kar le, aap google ki baat kar le, akal akal mortgages feed kare, you will get all the information, is that right? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚਾਟ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਮਰੀ ਅਬਾਊਟ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਸਟਡ ਔਨ ਦਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ, इट्स डेटा बेस्ड, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ कंप्यूटर्स ब्रेन। और हम इस पर प्रोग्राम करेंगे, डॉक्टर मुजाहिद साहब अपने वॉलंटियर्स के साथ यहाँ मौजूद होंगे, इसके लॉगरिथम्स के ऊपर बात करेंगे। इट्स ओनली व्हाट क्वेश्चन यू पुट इन। एक चीज मैं ऐड करनी चाहना जी, जिन्ने मर्जी टूल्स मेरे को होन जी, जिन्हियाँ कारा होन फायर आर्म्स होन, पर जिन्ना चक्कर मैनू चलाउण दा ना जी पता, इट मीन्स नथिंग। आई थिंक चार्ट GPT एक फ्रेमवर्क के तौर पर यूज किया जाए और दिमाग अपना लड़ाया जाए, आई थिंक दैट विल एक्सेल। अदरवाइज तो मेडियोक्रिटी जी हैगी बहुत भरी पी है जी, और उसे नहीं अगे तुरे जाना। अगर एक्सेल करना
फ्रेमवर्क यूज करो क्योंकि इट इज डेटाबेस. अगर मैं रिसर्चर हाँ रैदर दैन के मैं जाके लाइब्रेरी दे विच पुरानी किताबां नूं 10 घंटे फोलां तो डेटा मेरे सामने पिया मैं क्यों ना उहनूं यूज करां. अगर एकेडमिया दे वास्ते प्रॉब्लम भी ते आ गई ना कि देयर आर सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग सम स्टूडेंट्स दे आर स्मार्टर सो दे कैन यूज दिस प्रोग्राम टू डिवेलप एनी रिसर्च टू एनी रिजल्ट्स. अरफा जी यू कैंट स्टॉप द एवोल्यूशन. Let it go. Let people embrace it. What do you think? जो आज माइक्रोसॉफ्ट ने भी 1000 बंदों को फायर कर दिया और जगहों से हो रहा है 10,000 बंदों को फायर कर दिया. अमेज़न ने कर दिया. आपका ये जो फेसबुक है ये करता चला जा रहा है. इसका मकसद है इवन दीज प्रोग्राम्स विल आल्सो रिलाई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ रादर देन हायरिंग पीपल दे विल गो ऑन टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेरा आंसर जड़ा हैगा जो पॉलिटिकल नहीं होएगा नो कमेंट्स क्योंकि मैनू पता नहीं. पर एक चीज जरूर है जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिवेलप्ड बाय पीपल एंड कैन नॉट बी रन विदाउट दोज पीपल. इट इज आवर ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. हाउ वी गिव इट बैक टू द कम्युनिटी लाइक वी आर इन अ कॉल मॉर्गेजेस. वी आर डिवेलपिंग सच सिस्टम्स. वी आर नाउ डिवेलपिंग एट दिस टाइम लीड मैनेजमेंट सिस्टम. एवरी सिंगल लीड कमिंग इन वी कैन ट्रैक वेयर इट केम फ्राम विच कैंपेन इट केम फ्राम हु इज गैरिंग इज वट स्टेज इट इज. इट इज गोइंग टू टेल द रेफरल पार्टनर्स दोज कुड बी लॉयर्स दोज कुड बी अकाउंटेंट्स दोज कुड बी एनी वन. दे विल बी नोटिफाइड ऑफ वट एवर द स्टेटस इज नॉट शेयरिंग द डेटा बट स्टेटस इज एंड दे विल बी एबल टू सी हाउ मेनी लीड्स दे हैव गिवन इट. दिस इज ऑल आर्टिफिशियल intelligence. Because why? Because there is no such program in mortgage industry that you can track everything. We need to know that where we are putting money, what is the return on that, and how we can synthesize all this information, and we need to give it back to our team members, to give it back to our industry. So there is a part of giving it back to the community. So we have to rely on this artificial intelligence if we want to excel. Otherwise, if we don't use it, बहुत शुक्रिया. और मैं ये कहती हूँ कि इंसान लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिव्ड. ये मुकदी गल है जी. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी लिव्ड. अगर आप चीट करेंगे मगर जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाता है उसकी वजह से कोई ऐसा नहीं है. इसके हमें घबराना नहीं चाहिए कभी किसी. ना 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 जी. क्योंकि ये तो जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा जी कंप्यूटर सारा ले लेगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगी. हाँ जी. ट्रक ड्राइवर जब शुरू हुए तो उन्होंने कहा जी ट्रेन का मामला खत्म हो जाएगा. Everything is still there. I don't know जी के test tube baby कितने पैदा होते हैं हर रोज और दूसरा कितने होते हैं. You can see the ratio. सर इन्होंने आगे बल्कि वो जो test tube baby का version है आगे तो इनको artificial आगे तो इनको loner mothers की ज़रूरत होती थी. अब तो loner mothers की भी ज़रूरत नहीं है. They have artificial wombs now. हाँ जी. ठीक है. Anyways, this is our lifestyle. अल्लाह ताला आप लोगों का हाफिज़ और नासिर रहे. बुरे लोगों की कंपनी से ज़रूर बचिएगा. इंसान एट द एंड ऑफ द डे अपनी कंपनी से पहचाना जाता है. आप जिसके साथ भी बैठें अगर वो एक शख्स की बुराई कर सकता है आई गारंटी कि कल को वो आपकी भी बुराई करेगा, मेरी भी बुराई करेगा. ठीक है. अगर कोई एक के लिए बैक बाइट करेगा मेरे सामने तो कल को मेरे लिए मेरी बैक बाइट करेगा किसी और के सामने. सो स्टे ट्यून्ड. चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक. 15 मिनट में आएंगी शाजिया जी विद द लेटेस्ट न्यूज़ अलोंग विद जनाब माजिद जमाल. स्टे ट्यून्ड प्लीज.